हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा कि आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे हम लोग बॉटम पे बाई और टॉप पे सेल कर सकते हैं। तो जो मैं एक पहले वीडियो बनाया था, मैं उसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूं और इस पे थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगा, तो बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोल के रखा हूं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोगों का ये भ्रांतियां होती है कि जब भी बोलिंजर बैंड, ध्यान दीजिएगा, जब भी बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को अगर स्टॉक टच करता हो तो हम लोग को क्या करनी है, ध्यान दीजिए, क्या करनी है, बाई करनी है। ऐसे भ्रांतियां हैं, बट ये भ्रांतियां कितना सही है एक फ्रेंड्स, हमेशा गलत होगा कि आप लोअर बैंड को टच करने पे सेल कर देते हैं। तो मैं आप पहले आपको दिखाता हूं कि क्या नहीं करना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये तो बाहर बना हुआ है, यहां पे बाई कीजिए ना, मार्केट तो और नीचे आ गया। फिर देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी ये टच कर रहा है और यहां पे तो आपको एमएसडी भी बाई दिया है, तो बाई कर लीजिए, बाई कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, इस तरीका से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे, ठीक है। यहां पे इस तरीका से वर्क करना ही नहीं है। बोलिंजर बैंड का एक लोअर बैंड को टच करे तो बाई कर लो, अपर बैंड को टच करे तो सेल कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, मैं पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैं यही बताया था कि जब भी बोलिंजर बैंड और एमएसीडी क्रॉसओवर देगा तो आपको क्या करना है, बाई करके हम लोग एक बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी तक का कहीं ना कहीं ये बॉटम हो चुका है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा जो मैं दिखाना समझाना चाहता हूं उस पर फोकस कीजिएगा। पहला चीज की जैसे कि ये टॉप टॉप और ये जो बॉटम है, ये आपका तुलनात्मक मापदंड होता है। तुलनात्मक मापदंड कहने का मतलब कि ये तुलना में, ये किसका तुलना में हाई है। जब तक इसका एक लो नहीं बनेगा तब तक हम लोग कैसे पता है कि ये हाई है या नहीं है। उसी तरीके से जब तक एक और बॉटम के ऊपर, एक और थोड़ा सा ऊपर इसका कुछ नहीं बनेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये बॉटम बना या नहीं बना। तो एक तुलनात्मक है कि बॉटम हुआ या नहीं हुआ। आप मार्केट सीधा ऐसे गिर रहा है, इसको आप नहीं बोल सकते कि इसका यहाँ पे बॉटम हो गया। बॉटम का मतलब कि एक और यहाँ पे आके हाई यहाँ पे जब बनेगा तो हम लोग बोलेंगे कि शायद इसका ये बॉटम हो गया, अब यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो तुलनात्मक होता है एक दूसरे से, आपको एक हाई या एक लो से आपको कंपेयर जो है तुलनात्मक यहाँ पे तुलना करना पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं, तो इसी पे आज पूरा वीडियो रहने वाला है, तो देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड, जैसे ध्यान से देखिए, इसने यहां पे बाय दिया बट यहां पे क्या हुआ, फिर से मार्केट नीचे चला गया, फिर से मार्केट नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिस है, बहुत ज्यादा बेरिस है। अब ये बहुत ज्यादा बेरिस को कैसे पिक करेंगे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, सबसे पहली बात कि आप पहले से चार्ट देखिए कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए ध्यान से कि ये बेरिस में है, ये 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे प्राइस चल रहा है, सबसे पहला। दूसरी बात यहां पे है कि आपको अगर इसने यहां पे बाइंग दिया है, राइट, एमएसीडी ने यहां पे अगर बाइंग दिया है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या आरएसआई आपका कहां पे है। मैंने यहां पे आरएसआई, मैं एमएसईडी और आरएसआई को एक साथ यूज कैसे करना है, मैं इस पे जल्दी वीडियो लाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। अब देखिए यहां पे क्या था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ए यहां से इसने तो बाई दिया है, एमएसईडी ने तो बाई दिया है, बट आपका आरएसआई कहां है, आरएसआई बिलो 30 है। और जब भी आरएसआई बिलो 30 होगा, मैं बता रहा हूं कि मार्केट चाह के भी ऊपर नहीं जा पाएगा। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, जब तक आरएसआई 35 के नीचे या 30 के नीचे है
मैं बता रहा हूं कि ये स्टॉक या कोई भी स्टॉक या कमोडिटी इसके ऊपर जा नहीं सकता, उसमें स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं, राइट। तो ये आपको कंफर्मेशन आपको करने को मिल गया कि आपको किस तरीका से भी आपको बॉटम पे करनी है। और अगर वो वीडियो नहीं देखे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पे जाइए। और ये है वो वीडियो, एक तो ये है कि आपको ट्रेंड बनते ही बताने वाला इंडिकेटर, और एक है फ्रेंड्स आपका ये बाय बॉटम सेल टॉप, ये भी आप दो वीडियो जाके अभी देख लीजिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे, तो आप देखिए ध्यान से कि ये क्या है कि आपका RSI, RSI ध्यान से देखिए कि कभी इधर आपको कभी भी 30 के ऊपर जा नहीं रहा है। अगर ये बाई दे भी रहा है, ध्यान दीजिएगा, बट अगर RSI आपका 30 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आपका वो मार्केट ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं, राइट। तो आपको ये सारी चीजों को एकदम बारीकियां से रीड करना है। मैं बता रहा हूं मार्केट में आपका बारीकियां, आप कितना अच्छा से देखते हैं, कितना अच्छा से प्रेडिक्शन लगाते, उस पे काम होता है। अगर आप सिर्फ यहां पे आएंगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि सीधा सीधा उपाय बता दीजिए, भैया यहां पे सीधा सीधा उपाय नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये यहां पे क्रॉस ओवर देने के बाद, ये देखिए ध्यान से, 30 के ऊपर सिर्फ जाने की कोशिश किया, टिक नहीं पाया, और मार्केट देखिए 20 के फिर जाके यहां से लिया और मार्केट गिरेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि आपको जब भी ये 20 के नीचे ही है, यानी कि ये पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ऐसे में कभी भी बाइंग करने की नहीं सोचनी है, ऐसे में कभी भी बाइंग करने की नहीं सोचनी है। तो आपको अगर ऐसे में अगर ये बता दे कि ये बॉटम है, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि आपका RSI तो बहुत ही नीचे है, RSI ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, राइट। देखिए यहां पे आ गया, अब देखिएगा, अब यहां से गेम चेंज होने वाला है। अब क्या होगा, थोड़ा सा अब ट्विस्ट आने वाला है। मैं देखिए, मैं एक एक कैंडल पे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि बहुत से लोगों का जो डाउट होता है ना, वो सारी चीजें हो जाए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप एकदम क्लियर पिक्चर दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अब आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए कि ए मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। अब RSI में तो एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा, RSI में अब डाइवर्जेंस दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। RSI में इधर से पूरा नीचे गया है, ये पूरा ऊपर जा रहा है, कोई डाउट नहीं है। बट RSI जब तक हम लोग को 30 के ऊपर सरवाइव नहीं करने लग जाए, तब तक हम लोग को भी बाइक के लिए सोचना भी नहीं है, राइट। तो इस तरीका से आपको देखना है। और आप ध्यान से देखिए अभी ये क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, बाई में है, ये बाई में यहां से ही है। तो अगर कोई यहां पे बाय किया होता, अगर कोई यहां पे बाय किया होता, उसका तो जाकर स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्योंकि इसका लोगों ब्रेक कर दिया है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस पे ट्रेनिंग देता हूं, ट्रेन करता हूं कि आपको कब किस इंडिकेटर का यूज में लाना है और किस तरीका से लाना है। जब तक आपके पास वो कला नहीं आएगा ना कि कब किसको यूज करना है, किस वे में यूज करना है, तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और वहां पे जाके आपको सारी की सारी जो डाउटें होती है क्लियर होता है, और आप एक परफेक्ट वे में सारी चीजों को सीख सकते हैं। आप फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये RSI तो देखिएगा, अब RSI 50 तक पहुंच गया, ये RSI तो 50 तक पहुंच गया, आप तो बोले कि स्ट्रेंथ आना चाहिए, बट अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है फ्रेंड्स। अब ये क्या हो गया कि अब एक और डाइवर्जेंस में चला गया स्टॉक, ठीक है। तो अब यहां से भी अगर कोई डाइवर्जेंस है, तो हम लोग को बाय के लिए कंसिडर नहीं करनी है। क्या हुआ, गया 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 मार्केट फिर से नीचे। अब कोई यहां पे जाके ये सोच ले कि अब यहां से तो ये ऊपर जाएगा, ये तो 35 के अभी तो बात करेगी, 35 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो ऊपर चला जाएगा। बट क्या हुआ, मैं बोला कि ये 50 के ऊपर भी है, फिर भी एक डाइवर्जेंस में है, और वहां से मार्केट देखिए फिर सीधा सीधा कहां गया, नीचे। तो ऐसे में आपको यहां पे सेल कर देनी, भले यहां पे तो आपको सेल करनी है, मैं जो बता रहा हूं यहां पे सेल बनती है भैया, यहां पे तो सेल बनती है, कोई डाउट ही नहीं है। और आपको कुछ भी प्रॉफिट हो, छोटा ही प्रॉफिट हो, मगर ऐसे में आपको कुछ प्रॉफिट देख के ही मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप इधर पे सेल किए होते तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता और आपको प्रॉफिट होता। आप देखिए थोड़ा सा, आप यहां पे ट्यूस आ गया कि अब आपको ध्यान से देखिए, हिस्टोग्राम बनना बंद,
मतलब हिस्टोग्राफ बढ़ी नहीं, यानी कि एक वोल्टिलिटी आने वाला, यानी कि जो हम लोग सेल किए हैं वो उसमें चाहे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है, या हम लोग को एक वैसा रिवर्सल देख के हम लोग को हटना होगा। ठीक है, तो अब आज इसी पे मैं अब बताने वाला हूं। अब ये हिस्टोग्राम बन नहीं रहा है, हम लोग सेल में है। ठीक है, हम लोग सेल यहाँ पे किए हुए थे, राइट, यहाँ पे सेल किए हुए हैं। अब हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हुआ कि जब भी एक एक दिन तो एक यहाँ पे खत्म होने के बाद, यहां से देखिए ध्यान से, ये आया आया यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे गया, तो हम लोग को इधर तो कहीं हट नहीं जाना है जब 20 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया है। और एक वोल्टिलिटी आने की उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग के ये यहाँ पे बता रहा था कि एक वोल्टिलिटी आएगा, और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीका से एक वोल्टिलिटी आ गया। देख रहे हैं आप कितना अच्छा वोल्टिलिटी आ गया, मार्केट कितना अच्छा इस दिन ऊपर चला गया। तो आपको एकदम सारी चीजें पता है, आप बस उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसको सही वे में आप देख नहीं पा रहे हैं। अब यही सारी चीजें हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करते हैं कि आपको सारी चीजों को एक वे समावेश करके देखना कैसे। आप यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम नहीं बन रहा है, वोल्टिलिटी आने वाला है। अब वोल्टिलिटी आने वाला तो किधर आने वाला है ये भी आपको पता है। ठीक है, ये भी हम लोग को डाउट पहले पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टिलिटी आया, हम लोग को पहले पता है कि कहाँ पे वोल्टिलिटी आने वाला है, समझे। तो ये पहले से आपको प्रिडिक्शन है, पहले से आपको पता चलेगा कि मार्केट आएगा तो यहां तक आएगा और उसके बाद रिवर्स होगा। तो ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। अब दूसरी चीज, एक चीज और है फ्रेंड्स, कि आपको हमेशा जो है, मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बता दूं कि आपको हमेशा जब ऐसे में आपको इधर कहीं पे मिले और वहां पे अगर आपको कोई डाइवर्जेंस दिख रहा हो, देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस है, प्राइस इससे ऊपर गया है, आरएसआई यहाँ से नीचे जा रहा है, इस लेवल से इस लेवल पे, और यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो आप इधर सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरएसआई एबव 70 के लमसम में है और वहां से नीचे आ रहा है और एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को समझना है, इसी सारी चीजों पे आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो आप समझे होंगे और आप इसको अच्छा से यूज में लाएंगे। और जो मैं बताया, आप जिस पे लोग ट्रेड करते हैं कमेंट करते हैं कि सर मैंने प्रॉफिट बनाया, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को प्रॉफिट बन रहा है, आप हमारे वीडियो को आप देखते हैं, उससे आप लोगों को कुछ सहायता मिल रहा है, मैं इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।